गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चे, कल मैंने आपको फॉर्मेट बताया था लास्ट क्लास में कि कैसे करना है एग्ज़ाम्स, क्या क्या आएंगे पैटर्न। आज दो पैराग्राफ्स हैं जो माई सिस्टर एंड वैल्यू ऑफ बुक्स, वो मैं आपको एक बार कर देती हूँ, आप एग्ज़ाम में अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। ओके, सो टेक आउट योर बुक्स एंड लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पैराग्राफ है हमारा वैल्यू ऑफ बुक्स, ठीक है। अब आप ना जरूरी नहीं है कि यही पढ़ोगे, आप अपनी तरफ से कुछ भी बना के लिख सकते हो, ठीक है। मैं कुछ लाइंस इसमें से बता देती हूँ, कुछ हम थोड़ी सी आउट ऑफ द सिलेबस भी कर लेंगे। लाइक बुक्स आर सेड टू बी मैन्स बेस्ट फ्रेंड, बुक्स को मैन का बेस्ट फ्रेंड कहा जाता है। क्योंकि क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे गिव अस नॉलेज, क्योंकि ये हमें देते हैं नॉलेज। साइंस एंड ज्योग्राफी बुक्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट आवर सराउंडिंग्स, साइंस और ज्योग्राफी की बुक्स जो हैं वो हमें हमारे आसपास के एरियाज के बारे में बताते हैं। द वर्ल्ड एंड इवन नॉलेज अबाउट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, दुनिया के बारे में बताते हैं। क्योंकि ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं? ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं कि इंडिया कितना बड़ा है, दूसरी कंट्रीज के बारे में पढ़ते हैं, इंडिया कहाँ है, कैसा है, क्या क्या चीजें हैं इसमें, तो ठीक है। और हम बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं साइंस में, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो वर्ड्स लिखे हैं, विदाउट एनी टिकट पासपोर्ट और इवन फ्लाइंग बाय एन एरोप्लेन, बिना किसी टिकट के, बिना पासपोर्ट के या बिना फ्लाई किए, वी कैन ट्रेवल टू डिस्टेंट लैंड जस्ट बाय रीडिंग अ बुक, हम दूर किसी जगह पे पहुंच जाते हैं सिर्फ बुक्स पढ़ के। लाइक टिनटिन के साथ क्या हुआ था? वी मूव्ड अराउंड इन द स्ट्रीट ऑफ नेपाल और विद एलिस वी ट्रेवल टू हर वंडरलैंड। इसमें टिनटिन की बुक है, टिनटिन नेपाल की स्ट्रीट्स में घूमता है, एक स्टोरी है ये, और एक एलिस की स्टोरी है। एलिस की स्टोरी क्या है? हम उसके वंडरलैंड, उसके सपनों के महल, सपनों की जगह में घूमते हैं। बुक्स आर इंडीड आर बेस्ट फ्रेंड्स, बुक्स भी हमारी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। इट इज सो बिकॉज अ फ्रेंड माइट चेंज, ये ऐसा क्यों होता है, ये बेस्ट फ्रेंड्स क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा फ्रेंड चेंज हो सकता है, हमारा फ्रेंड हमसे नाराज हो सकता है। ही और शी कैन फाइट विद अस, वो हमसे गुस्सा भी हो सकता है, लड़ाई भी कर सकता है, और हमसे बात करना भी छोड़ सकता है एक दिन। बट अ बुक विल ऑलवेज रिमेन द सेम, बट जो बुक है वो हमेशा सेम रहती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती। एंड विल ऑलवेज बी अ गुड कंपेनियन, और वो हमेशा हमारी अच्छी सपोर्ट बन के रहती है, ठीक है। अब देखो, मुझे पता है कि ये कुछ लाइन्स हैं, लाइक दीज लाइन्स, ये थोड़ी सी टिपिकल है ना, थोड़ी सी टिपिकल। तो आप इसकी जगह ना कुछ भी लिख सकते हो, लाइक आई हैव सो मैनी बुक्स, आई हैव स्टोरी बुक्स विच आई यूज टू रीड व्हेन आई वेंट फॉर स्लीप, या मैं बेड टाइम स्टोरी बुक सुनता हूँ, पढ़ता हूँ। बुक्स बहुत नॉलेजेबल होती हैं, बुक्स ऑलवेज ब्रिंग अस नॉलेज, और ये माइंड को फ्रेश करती हैं, दे कीप आर माइंड फ्रेश। आप कुछ भी लिख सकते हो, कंपल्शन नहीं है यही लिखना है। लेकिन अगर कुछ बच्चे ये लिखना चाहते हैं, सो यू कैन राइट दिस ऑल्सो, ठीक है। अगर आप ये लिखना चाहते हो तो आप ये भी सेम लिख सकते हो, कुछ और बना के लिखना चाहते हो तो आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है। कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको यही लिखना है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना के लिख सकते हो। बल्कि अगर आप अपनी मर्जी से कुछ अच्छा सा बना के लिखोगे तो उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, मैं उसके आपको मार्क्स कट नहीं करूंगी, अगर गलत होगा तो मार्क्स ज्यादा कट नहीं होंगे, बट आपको उस चीज के क्या होंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे कि हाँ बच्चे ने मेहनत करके खुद से बना के लिखे हैं, ठीक है। और अगर आप ये सेम लिखोगे देन ऑल्सो यू विल गेट मार्क्स, ऐसा नहीं है कि मैं कट करूंगी कि आपने कॉपी करके क्यों लिखे, बट मार्क्स आपको मिलेंगे, बट आपको खुद से बनाने की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए, ओके। अब नेक्स्ट एक सेकेंड पैराग्राफ था माय सिस्टर, सिस्टर के बारे में तो बताना ही नहीं पड़ेगा मुझे, आपको अच्छे से पता होगा। इसमें क्या लिखा हुआ है? शोनू इज माय सिस्टर, आप इसमें अपनी सिस्टर का नेम लिख सकते हो,
ठीक है, शी इज 4 years old. आप ये भी लिख सकते हो, 2 years का तो शी इज 2 years old, 7 years का तो शी इज 7 years old, जितने भी सालों की है वो आप लिख सकते हो. शी इज चबी, मोटू मोटू है, गोलू मोलू है. आप कुछ और भी लिख सकते हो, इफ शी इज थिन तो आप लिख सकते हो शी इज थिन फेयर एंड नॉटी. अगर वो शरारती है तो लिखो नॉटी. शी स्टडीज इन यूकेजी. अगर आपकी सिस्टर नर्सरी में पढ़ती है या स्कूल नहीं जाती तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो. ये आप खुद से ही बनाओगे, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहता है बच्चे अगर आप अपनी सिस्टर के बारे में सोच के लिखते हो. शी स्लीप्स विद मी एंड वेक्स अप विद मी. वो सोती भी मेरे साथ है और उठती भी मेरे साथ है. वी ऑल्सो गो टू स्कूल टूगेदर. हम स्कूल भी एक साथ जाते हैं. शी इज इंटेलिजेंट. वो पढ़ाई में अच्छी है बट ऑल्सो नॉटी एंड ऑफन प्ले ट्रिक्स इन क्लास. और वो ट्रिक्स भी खेलती है क्लास में. शी लिसन्स टू मी एंड ऑबेज मी. वो मेरी रिस्पेक्ट करती है, मेरी बात सुनती भी है, मेरी बात मानती भी है. आई हेल्प हर विद हर होमवर्क एंड आई ऑल्सो प्ले विद हर. शी इज वेरी गुड इन ड्राॅइंग एंड हेल्प्स मी टू ड्रॉ पिक्चर्स. वो पिक्चर्स ड्रॉ करने में भी हेल्प करती हैं. एंड शोनू लव्स टू डांस एंड सिंग. उसको डांस करना और गाना गाना बहुत पसंद है. वेन एवर देयर इज एनी कल्चरल प्रोग्राम इन स्कूल शी पार्टिसिपेट्स इन इट. शी ऑल्सो वॉन सेवरल प्राइजेज. अरे वो इतनी छोटी है फिर भी उसने इतने सारे प्राइजेज और वॉन किए हैं. शोनू केयर्स फॉर मी. शोनू मेरी बहुत केयर करती है. आई नो दिस बिकॉज वंस व्हेन आई वाज इल. मुझे इसलिए पता है क्योंकि एक बार क्या हुआ था कि जब मैं बीमार हो गया था, शी लुक्ड आफ्टर मी टिल आई रिकवर. उसने मेरी बहुत देखभाल की जब तक मैं रिकवर नहीं हो गया. आई नो शी लव्स मी अलॉट एंड आई ऑल्सो लव हर वेरी मच. मुझे पता है कि वो मेरे से बहुत प्यार करती है और मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ. ठीक है बच्चे, एक चीज ध्यान से सुनो. पेपर में पैराग्राफ आया है, ठीक है, और पेपर में जो भी पैराग्राफ है आपको अच्छे से पता है कि आपने क्या करना है, कैसे करना है. चॉइस गिवन होगी तो आपको चॉइस दी जाएगी पेपर में. अगर आपके सिलेबस में चॉइस मेंशन है ना तो आपको चॉइस गिवन होगी. जरूरी नहीं कि जो ये लाइंस है सेम हमें वही लिखनी है. आप अपनी तरफ से लाइंस बना के खुद से भी लिख सकते हो. वो रॉन्ग नहीं होगा, उसके मार्क्स कट नहीं किए जाएंगे. ओके समझ आया. अब आपने क्या करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है. ये लास्ट रिवीजन क्लास थी, इसके बाद सीधा आपको पेपर्स ओपन करने हैं. ठीक है, अच्छे से पेपर करोगे, चीटिंग करने की ट्राई नहीं करोगे. पेपर वाले दिन पेपर लोगे वीडियो कॉल में, मैं आपके सामने होंगी. सब बच्चे वीडियो कॉल पे प्रेजेंट होने चाहिए, सबसे बड़ी बात. जो बच्चा वीडियो कॉल पे प्रेजेंट नहीं होगा उसका पेपर नहीं लिया जाएगा. ओके तो आप प्रेजेंट होने चाहिए वीडियो कॉल पे. आप पेपर मुझे दिखाओगे फिर ओपन करोगे पेपर. यू विल शो मी योर पेपर एंड देन यू विल शो मी योर शीट. फिर आप पेपर ओपन करोगे. ओके यस, सो स्टार्ट स्टडिंग. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. विल सी यू आफ्टर द एग्जाम. फिर से यही क्लासेस स्टार्ट करेंगे एग्जाम्स में. आई होप हमारी इंटरेक्शन भी हो पाए, स्कूल भी आ जाए एंड यू विल स्टडी हार्ड फॉर योर एग्जाम्स. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.